सो हेलो दोस्तों, तो आज सुबह उठ के ही एकदम फटाक से मैं जैम वगैरह जो ब्रेड वगैरह था खा लिए थे, क्योंकि मेरा आज था ऑनलाइन क्लासेस। तो उसके बाद मैं क्लास करने बैठ गई थी और इधर बहुत दिन बाद मम्मा आ गई और देखो ये टगली हो गई है पूरा। तो फिर चलो कोई नहीं, वो भी इधर उसका ब्रेकफास्ट कर रही थी, हरम कर ली अपना क्लास। क्लास करने के बाद मैं अकेले हो रही थी बोर, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ ड्रॉ करते हैं। मतलब लॉकडाउन के बाद से ना मैं एक बार भी ड्रॉ करने नहीं बैठी थी और मेरा हॉबी है ड्राइंग। सो या इसीलिए मैंने भी आज स्टार्ट कर दिया। तो मैं सोच रही थी क्या ड्रॉ करूँ एंड फाइनली मैंने सोचा कि चलो राधा कृष्ण जी को ड्रॉ करते हैं। तो फिर मैंने वो स्टार्ट किया, तो अकेले हाथ से कर रही थी और क्लिपिंग्स कर ले रही थी, तो थोड़ा बहुत दिक्कत तो हो रहा था, इसीलिए उतना ज़्यादा तो क्लिपिंग्स नहीं है, पर जो है चलो ये भी आप लोगों से शेयर की। तो इधर अभी मैं राधा जी को ड्रॉ कर रही थी और इधर ना थोड़ा साइड में हो गया था, जिससे देख सकते हो जो बॉर्डर लाइन है उधर उनका फेस हो गया था, पर चलो कोई नहीं। मैं कोशिश कर रही थी जैसे ऐसे हो एकदम अच्छे से बनाना है, और बहुत दिन बाद में की थी, लॉकडाउन में मैं लास्ट बनाई थी कुछ ड्राइंग्स एंड उसके बाद अभी, तो इसीलिए एक्साइटेड थी। एंड देखो कृष्ण जी को भी मैं ऑलमोस्ट बना ली थी एंड उसके बाद नहीं जो पोर्शन था खाली लग रहा था, तो इसीलिए मैंने थोड़ा ऑनलाइन सर्च करके देखा बांसुरी एंड मैंने वो बांसुरी बना दी। तो देख सकते हो आप लोग कैसा लग रहा है ये मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। तो मेरा तो फेवरेट हॉबी यही है और उसके साथ भी बहुत कुछ करना पसंद है, पर एकदम बचपन से ड्राइंग मुझे बहुत पसंद था, तो इवन इसके लिए मुझे बहुत सारे प्राइजेस मिला है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी मिला है। पर सबसे बड़ी बात है कि तब उतना नहीं होता था फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा, तो इसलिए मैं कभी ड्राइंग कंटिन्यू नहीं कर पाई, मैं कभी सीखी नहीं हूँ कहीं, जो मैंने खुद से किया तो वही है। बस मुझे तो हिंदी लिखना उतना आता नहीं है, क्योंकि 7-8 में बस मेरा संस्कृत था और कभी मैंने हिंदी नहीं लिखा है, बहुत रेयर में लिखती हूँ। एंड अभी मैं इधर राधा और कृष्ण लिख रही हूँ एंड क्योंकि ये खाली लग रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ऐसा ही कुछ करते हैं। तो फिर चलो देखते हैं कितना अच्छा इसका लास्ट लुक एंड फाइनल लुक आता है, तो आप लोग भी देखते रहो। सो या फाइनली तो डन हो गया था एंड राधा कृष्ण हम लिखे थे, अपना सिग्नेचर कर दिया और ये था फाइनली डन। तो कैसा लग रहा है कमेंट करना। वो बूमेरंग था और उसके बाद ना आज थोड़ा बहुत बारिश हुआ, तो मेरे पापा को खिचड़ी खाने का मन होता है, तो इसीलिए खिचड़ी और अंडा फ्राई ये सब खा लिए थे। तो उसके बाद फाइनली ना कुछ दिन से मैं सोच रही थी आप लोगों से शेयर करूँगी, पर मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा भाई घर पर नहीं था एंड फाइनली आज भाई घर पर जब था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो आप लोगों को पता है कि हमारे पाड़ा में जो प्रोग्राम हुआ था, मतलब गेम्स, तो उसमें हम दोनों में फर्स्ट आए थे, एक में फर्स्ट और एक में सेकेंड। तो ये था फर्स्ट में जो आई थी ना उसका वाला था, तो चलो वो भी खोल के आप सभी को दिखा देती हूँ। तो इस बार ना सबके लिए मतलब सम्मान किया गया था कि कोई मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी हो जाए सबको बॉटल्स मिलेगा। सॉरी ये सेकंड वाला गिफ्ट था, देख सकते हो तो इसमें 4 बॉटल मिला है, जो फास्ट होगा उनको 6 मिलेगा। देख सकते हो फर्स्ट हुई हो मैं किसमें, मसाला जो आँख बंद करके मसाला का जो हुआ था ना एक गेम, उसमें मैं फर्स्ट हुई थी। और जो और एक गेम था जो पुती होता है ना मेनली, तो उसको अलग करना सा था, तो उसमें मैं सेकंड हुई थी। तो देखो ये भी मतलब सबको ही बॉटल मिला था इस बार, 6 को 4 को एंड 2 को, तो वैसे ही करके मुझे 10 को बॉटल मिला क्योंकि मैं फर्स्ट और सेकंड हुई थी। तो कलर भी बहुत अच्छा था, पर ये बहुत पतला था, पहले वाला जो था उसका मुँह थोड़ा बड़ा था पर थोड़ा बहुत हार्ड था। तो उसके बाद अभी लीची का कितना प्राइस हो रखा है आप सभी को पता है, क्योंकि जमाई सोष्ठी है। तो फिर भी मेरे मम्मी ने हम लोग के लिए आज लेके आ गई थी मम्मी लीची, तो लीची मुझे बहुत पसंद है, मैं खा ली। उसके बाद मैं बच्चों को पढ़ा ली थी, थैंक गॉड। उसके बाद ना गाइस क्या हुआ कि हमारा लाइट अचानक से ख़राब हो गया, तो फिर मेरे पापा जब काम से आ गए तो हम पापा को बोले, आज पापा थोड़ा जल्दी आ गए थे, तो इसका फ़ायदा यही हुआ कि वो लाइट वगैरह ठीक कर दिए। तो पापा ये खुद से ही कर रहे थे और इतना पसीना, हल्का फुल्का बारिश हुआ था गाइस, इसलिए इतना पसीना में पापा को दिक्कत हो रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर भी पापा, उनका ऑपरेशन हुआ है, फिर भी पापा खुद से देखो कष्ट करके ये सब कर रहे थे जिससे हम लोगों को तकलीफ़ ना हो। सच्ची में यार जो डैड लोग होते हैं ना फैमिली के लिए बहुत करते, इवन मेरी मम्मी भी यार, मतलब दोनों मतलब एकदम परफेक्ट है एंड फैमिली को संभालना कोई उनसे सीखे। तो या इधर पापा वही कर रहे थे एकदम रिस्क लेके एंड फाइनली देखो हमारा लाइट जल गया, जिससे मुझे थोड़ा शांति तो मिला कि मुझे वीडियोस बनाना था एंड मुझे पढ़ने भी बैठना था, बहुत सारा काम था इसीलिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद ट्रिपल ए। तो गाइस आज ना बहुत दिन बाद मेरा भाई घर पे है एंड मैं सोच रही थी कि घर में बैठे मैं बहुत ज़्यादा सारा दिन बोर हो रही हूँ, सारा दिन बोल सकते हो कि मैं सो के बिताई हूँ, रात को थोड़ा लेट से सोई थी इसी वजह से, कुछ वेब सीरीज़ देख रही थी
एंड फाइनली, तो अभी थोड़े अटे बोर हो रही थी, सारा काम ऑलरेडी डन, तो मैंने सोचा कि चलो कहीं पे निकलते, क्योंकि घर में बैठे ऊपर से इतना ज़्यादा गर्मी हो रखा है अभी कोलकाता में, वो 43-45 डिग्री गर्मी का फील अभी हो रहा है, पर अभी उतना नहीं है, 40 के ऊपर सेल्सियस नहीं गया है, डिग्री नहीं गया है, फिर भी इतना गर्मी हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो फिर इसलिए सोच रही हूँ कि जाते हैं थोड़ा लेक मॉल हवा खाने, है ना, क्योंकि वही एक जगह है, उसके बिना अभी आसपास का वैसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर रिलैक्स से बैठ सकते या खाना खा सकते या बातें कर सकते, ऐसा बात है। तो जा रहे हैं, जब थोड़ा बहुत वीडियो का कलेक्शन वगैरह भी देख सकते हैं, अभी उतना नहीं पता क्या करने जाएंगे, पर थोड़ा चलते हैं, घूमते हैं, देखते हैं क्या बात है। ठीक है, तो फिर चलो निकलेंगे हम लोग अभी, तो रेडी होंगे उसके लिए, तो आप लोग व्लॉग में बने रहो, और कहाँ जाते हैं क्या करते हैं सारा अपडेट देंगे आप सभी, क्योंकि कुछ दिन से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा है, तो इसीलिए आने वाला है कल व्लॉग, तो आप लोग ज़रूर देखना, तो एंड तक बने रहो और व्लॉग करते स्टार्ट। तो फाइनली गाइस, बहुत इस गर्मी में यार बहुत कष्ट करके हम रेडी हुए हैं, मतलब मन नहीं हो रहा था रेडी होने का, इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है, पर मन भी कर रहा कि भाई इधर से निकलो यार, जैसे भी हो एकदम एसी में जाके थोड़ा बहुत खड़े भी रहोगे तो भी मतलब शांति मिलेगी, तो मतलब चलो यार चलो, मतलब इतना गर्मी में मेरे घमोड़िया वगैरह निकल आया है यार, मतलब क्या ही बताए। तो फिर चलो चलते हैं, मेरा भाई भी ऑलरेडी रेडी हो गया है वो नीचे के रूम पे, एंड अभी मैं और भाई जाएंगे, एंड उसके बाद हम लोगों को ज्वाइन करने वाला है, गेस व्हाट, अक्कू भी हम लोगों को ज्वाइन करने वाला है। तो मतलब ये फर्स्ट टाइम है कि मैं अक्कू भाई तीन, मतलब तीन लोग मिलके फर्स्ट टाइम मतलब एक रेस्टोरेंट वगैरह में जाऊंगी, तो देखते हैं क्या होता है, अभी नॉट श्योर, तो चलो चलते हैं, बने रहो व्लॉग में और क्या। तो फिर और क्या था, उसके बाद मेरा भाई इधर हो रहा था रेडी, एंड ये वाला जो मम्मी दी मेरे लिए लाई थी बाली से, वो भी मैं पहन रही थी इतना दिनों बाद। निकलने के बाद मैंने देखा कि हमारे पड़ोस के पाड़ा में हो रहा था पूजा, एंड ये देख के मुझे मेरे पाड़ा का याद आ गई, एंड अक्कू काम से डायरेक्ट आ गया था हम लोगों के साथ मीट करने, और ये दोनों एक होते हैं तो मुझे ही भूल जाते हैं। तो चलो कोई नहीं, फाइनली इधर हम लोग लेक मॉल आ गए थे, और अब थोड़ा बहुत भीड़ तो था यार, पर क्या ही कर सकते थे, तो फाइनली हम ऑर्डर तो कर लिए थे, तो इधर हम लोग ऑर्डर किए थे भाई 99 का ऑफर चल रहा है, पर ये ऑफर तो पूरा बेकार ही था, क्योंकि हम तीन लोग थे, तो इसीलिए हमको और भी थोड़ा पैसा देके और एक बन ख़रीदना पड़ा, फिर ये एक्स्ट्रा मतलब सिर्फ बन था दो, मतलब दो बर्गर ही सिर्फ तुमको मिलने वाला है 99 में, और कुछ नहीं, और इधर का वॉइस में बहुत नॉइज़ आ रहा था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं। तो इधर पेप्सी था, फ्राइज था जो मैंने अलग से लिया था, और एक बर्गर भी अलग से ली थी मैं, एंड उसके साथ था तीन गो बन बर्गर जो हमारे लिए था, एंड ये सारा था चिकन का, और इधर अक्कू था, हम थे, एंड मेरा भाई इधर बोल रहा था कि लोग मुझे छोड़ के खाना खाना स्टार्ट कर दिए, तो आप लोग ही सुन लो कि कोनो जाने ना हमारे के नियत से गाइस फांसी दी चाहिए क्या ने पूरो ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, सब खाने में व्यस्त हो गया हमको छोड़ के, आकाश तो पहले मुन्ना भूखा है देखो ना चलो हम भी भगभग निकल के खा ही लेते हैं, नहीं तो ये लोग सब खा जाएंगे गाइस, मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। मेरा भाई मुझे ताना देते देते फाइनली खा लिया, क्योंकि उसको लग रहा था वी वेस्ट ऑफ मनी है, एंड फाइनली मुझे भी लग रहा था गाइस इससे अच्छा तो 99 का जो पहले था उसमें सारा सारा आ जाता था, वेज आ जाता था, पर फिर भी ये जो कॉम्बो था फ्राइज और पेप्सी के साथ वो आ जाता था। तो फाइनली हम लोग सब घर आ गए, और घर आने के बाद ना हल्का फुल्का खाए थे, तो मम्मी इधर साग का भुजिया, दाल चावल, साथ में अंडा फ्राई सब बनाई थी, एंड लास्ट में मेरे पापा का मतलब बात था कि जब गए हो मॉल में तो थोड़ा आइसक्रीम लेके आओ, तो इधर आइसक्रीम हम लोगों को मिल गया था 120 में, इसका बटर स्कॉच हम मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मेरे पापा बोले तुम्हारा ही फेवरेट वाला लाना, और अभी ये मेरे घर के सबका ही फेवरेट हो गया, तो आप लोगों को कौन सा फ्लेवर वाला आइसक्रीम पसंद है मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। एंड उसके बाद भाई इधर कटिंग कर दिया सबके लिए, थोड़ा बहुत हम लोग उठा के रख दिए थे दूसरे दिन के लिए, एंड फाइनली घर के सब लोग मिलके इतना गर्मी में ठंडा ठंडा आइसक्रीम खा लिया। उसके बाद रात को मामून को इधर में थोड़ा पढ़ाई में हेल्प करने आ गई थी, उसे कुछ प्रोजेक्ट्स भी था, एंड लैम्प चला के बहुत दिनों बाद में पढ़ रही थी, उसकी मम्मी उधर सो गई थी देख ही सकते हो। उसके बाद आप लोग देख रहे हो कि आसमान का हालात थोड़ा बदला, थोड़ा हवा चल रहा था, बारिश तो नहीं हुआ पर बारिश होने जैसा ही लग रहा था। तो चलो फिर गाइस आज के लिए इतना, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर।